आटे में नमक बरोबर चलत है। अंधे नगरी चौपट पैदा चल रहा हूं। नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। रिश्वत हमारे देश ही नहीं दुनिया में भी एक गंभीर समस्या है, लेकिन ये भी सत्य है कि इस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। ये बदस्तूर जारी है, मगर उस वक्त क्या किया जाए जब रिश्वत लेने को ही कोई जस्टिफाई करे और वो आम आदमी नहीं बल्कि एक जनप्रतिनिधि हो। जी हाँ, मध्य प्रदेश से ही ऐसा एक मामला सामने आया है। वहाँ के पथरिया की बीएसपी विधायक हैं रामबाई। विधायक से लोगों ने रिश्वत लेने की शिकायत की तो उनका कहना था कि 1500 की घूस लेना ठीक है पर 10,000 लेना गलत है। दरअसल में कुछ दिन पहले पीएम आवास के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लेकर सतउंगा गांव के लोग विधायक के पास आए थे। उनका कहना था कि महकमे के अधिकारी इस काम के लिए हजारों रुपए की डिमांड कर रहे हैं। विधायक रामबाई ने रिश्वत लेने को जस्टिफाई किया और बताया है कि इसे लेने के लिए क्या स्केल होना चाहिए। विधायक रामबाई ने कहा कि 1000 रुपए लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आटे में नमक चलता है, हम तुमसे मना नहीं कर रहे हैं। विधायक रामबाई ने रिश्वतखोरी को लेकर क्या कुछ कहा, रिपोर्ट देखिए। देखो, आटे में नमक बरोबर चलत है, ठीक है, वही इस मामले को लेकर राज्य में विपक्ष तंज कस रहा है और कह रहा है कि सब कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा चल रहा है। गौर हो कि रामबाई बसपा के टिकट से विधायक चुनी गई थी, पर फिलहाल पार्टी ने उनको निलंबित कर रखा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है एनबीसी हिंदी के साथ। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।